लद्दाख में बॉर्डर को लेकर भारत चीन के बीच तनाव अब कम होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को चीन ने गलवान घाटी के पास से अपने कदम पीछे खींचे, जिस जगह पर दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी। अब वहां से चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर तक पीछे चली गई है। दोनों देशों के बीच तय हुआ है कि सीमा पर तनाव की स्थिति को कम किया जाएगा। इसके बावजूद भी भारत ने सख्ती बरकरार रखी है। सीमा के पास भारतीय वायुसेना चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखे हुए है। इसकी के चलते सोमवार रात को भारत चीन बॉर्डर के पास वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नाइट ऑपरेशन किया। यहां देर रात निगरानी करने के लिए वायुसेना के विमान अपाचे, चिनूक और फाइटर जेट MiG-29 ने फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना बॉर्डर पर लगातार अभ्यास कर रही है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी में जुटी है। बता दें कि IAF के बेड़े में पिछले साल ही 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने जगह बनाई थी। अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। भारत चीन सीमा के पास फॉरवर्ड एयरबेस में किए गए ऑपरेशन को लेकर वरिष्ठ लड़ाकू पायलट ग्रुप कैप्टन राठी ने कहा, नाइट ऑपरेशन का अपना अलग ही महत्व होता है। एयरफोर्स सीमा पर तैनात जवानों की हर मदद के लिए किसी भी समय पूरे स्पेक्ट्रम का संचालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाइट ऑपरेशन 7 इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। द इंडियन एयरफोर्स इज फुली ट्रेन्ड एंड रेडी टू अंडरटेक एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशंस इन एनी एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स एंड मोटिवेटेड। उत्तराखंड में बॉर्डर पर भी भारतीय वायुसेना की चौकसी दिखी। यहां वायुसेना ने चीन और नेपाल सीमा के पास चौपर से उड़ान भरकर स्थिति का जायजा लिया। वायुसेना उत्तरकाशी के पास चिन्यालीसौर हवाई पट्टी का परीक्षण कर रही है। हेलीकॉप्टर ने सीमा तक उड़ान भरी और हवाई पट्टी पर 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की।